वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सेकेंड क्लास. आज हम आपका चैप्टर 5 कंप्यूटर कीबोर्ड. पिछली वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस कर चुके थे यूनिट टेस्ट 3 के लिए. आज हम इसी चैप्टर के क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं आपके यूनिट टेस्ट 3 के लिए, क्योंकि यूनिट टेस्ट 3 में आपके क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं. ओके, आइए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज शिफ्ट की यूज फॉर. शिफ्ट की का यूज़ बताना है आपने. शिफ्ट की इज़ यूज्ड अलोन विद द अल्फ़ाबेट कीज टू टाइप इन कैपिटल. यानी कि शिफ्ट की हेल्प से आप अल्फ़ाबेट कीज़ को, जो आप अल्फ़ाबेट जो भी लेटर्स आप टाइप करोगे उनको कैपिटल में लिख सकते हो. नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज नम लॉक की. नम लॉक की क्या है. नम लॉक की इज यूज टू टर्न ऑन द न्यूमेरिकल कीबोर्ड. ये क्या करती है, आपके जो न्यूमेरिकल कीबोर्ड दिया होता है राइट साइड में कीबोर्ड के, उसको ऑन कर देती है. नेक्स्ट आपके पास आता है, व्हाट इज़ डिलीट की. डिलीट की इज़ यूज फॉर इरेजिंग एनीथिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. कर्सर के राइट साइड से कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को इरेज करने के क्या आता है, डिलीट की काम आता है. यानी कि डिलीट की से आप कुछ भी इरेज कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंटर की. एंटर की का क्या यूज़ है. एंटर की इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन. एंटर की से आप कर्सर को मूव कर सकते हो नेक्स्ट लाइन में. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कर्सर कंट्रोल की. कर्सर कंट्रोल की का यूज़ बताना है. कर्सर कंट्रोल की आर यूज टू मूव द कर्सर इन द फोर डायरेक्शन ऑन द मोनीटर. कर्सर जो होता है आपकी स्क्रीन पे कर्सर को मूव करता है फोर डायरेक्शन में. कौन कौन सी है, एक होगी अप, डाउन, राइट और लेफ्ट. ये फोर डायरेक्शंस होंगी जहाँ पर आपका कर्सर को मूव करने में कर्सर कंट्रोल की आपकी हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट, तो आज हमने आपके साथ इस चैप्टर के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. तो आप सबने इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रिवाइज करना है अपने यूनिट टेस्ट 3 के लिए. ओके.